last lecture of our this chapter, and this is totally JEE based topic. तो textbook में शायद हो ना हो, but ये lecture important है JEE के हिसाब से. और एक law हमारा जो बाकी है, Kolmogorov's law, जो इसके बाद में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं. तो ये last lecture, इसी के अंदर हम लोग chapter ख़त्म कर देंगे. तो इसके बेस पे आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी जो की है, वेरी गुड फॉर देम. और जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो वो प्लीज़ 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 इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, चाहे आपके सिलेबस में हो या ना हो, बट एक बार ये हो जाएंगे तो 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आज रिजल्ट भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हो बोर्ड का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर. और इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ, अब तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्ब्डा आई एम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी अ वेरिएशन इन कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सबके अंदर वेरिएशन देखेंगे विद टेंस टू कंसेंट्रेशन और डायल्यूशन. जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ेगा और डायल्यूशन बढ़ेगा, क्या क्या वेरिएशन हो सकता है वो हम लोग पढ़ने वाले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टेंस के अंदर देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है कंडक्टेंस के अंदर देखते हैं. तो व्हाट इज कंडक्टेंस, तो जो कंडक्टी कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो सकती है. तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हम लोग, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. अब कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो उसका रीज़न यहाँ पर मैंने लिखा ही है. तो दो चीज़ें हो सकती है, के दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हो सकता है एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो सकता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ये अल्फा आप लोगों ने शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएट होने की जो पावर है, ठीक है, आयंस डिसोसिएट होने की, मतलब एच प्लस एंड ओ एच माइनस अलग होने की जो है, तो वो बढ़ेगा जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे. मतलब वाटर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो होगा. देन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, मैंने बोला जैसे जैसे डिसोसिएट होंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस जो है वो कंडक्टेंस बढ़ाता है. तो सीधा याद रखेंगे कंडक्टेंस कब बढ़ेगा, जब डायल्यूशन बढ़ाओगे तब कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग के अंदर कुछ चेंज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलवेज 100% होता है. क्यों, क्योंकि ये तो पहले से कंसनट्रेटेड है ना. तो कंसनट्रेटेड के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है. 100% डिसोसिएट हो गया तब जाके तो वो स्ट्रॉन्ग बना ना, समझ रहे हो. जैसे HCl है और इसको मैं डाइल्यूट करता हूँ, ठीक है, तो डाइल्यूट करने के बाद ये कंसनट्रेटेड कब बनेगा, जब H प्लस आयन हमारे पास 100% होंगे, 100% एच प्लस आयन होंगे तब ये स्ट्रॉन्ग बनता है, समझ रहे हो. तो जैसे HCl H2SO4 उसके अंदर आयन्स जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए, तो उसका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा और कंडक्टेंस बढ़ेगा. तो दोनों में रीजंस अलग अलग है बट चीज़ एक ही है, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा. सेकेंड बात करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी की. कंडक्टिविटी इज अ कप्पा, के नहीं है, ये कप्पा है. तो कप्पा क्या हो सकता है, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑफ आयंस डिक्रीज होगी. मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी तो कमी होगी ना, मतलब बीच में जो जगह है वो जगह बढ़ जाएगी, तो दैट मीन्स डेंसिटी लो हो जाएगी. तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml, चलो कप्पा का डेफिनेशन क्या था, कप्पा का डेफिनेशन याद करो सबसे पहले. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कप्पा, तो कप्पा का डेफिनेशन था कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस है हमारा उसके रिलेटेड था कि 1 ml, हेलो दिखाई दे रहा है, चलो 1 ml के अंदर कितना डाइल्यूटेड है, दैट इज कप्पा. ठीक है, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, और वी कैन से कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम कप्पा बोलते हैं. तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो 1 ml के अंदर नंबर ऑफ आयन कम होंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी के दो इक्वेशन ये सेम ही है, लैम्ब्डा एम और लैम्ब्डा ई, दोनों के अंदर रीजन सेम ही है. तो एक इक्वेशन था कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी. तो जैसे कप्पा डाउन हो रहा है, तो कप्पा डाउन हो रहा है तो हमारा मोलारिटी एंड ये दोनों भी चीज़ें क्या होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए. बट अनदर सॉल्यूशन इज जैसे जैसे डाइल्यूट
बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जो वॉल्यूम होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मालिटी, ये दोनों के इन्वर्स में होता है। तो अगर ये बढ़ाया तो मोलारिटी और नॉर्मालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, कम होगी। तो क्या होना चाहिए, जो मोलारिटी और नॉर्मालिटी जो अपॉन में है ये कम होगी तो ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो कप्पा डाउन करो ये दो कम होगा, या तो ये दोनों। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है कि इट इज़ मोर बेस्ड ऑन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, कप्पा पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता, दिस इज़ प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो जैसे जैसे एम एन डिक्रीज होगा ये बाहर ऊपर जाएगा, दैट मीन्स जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मोलारिटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज ग्रेजुअली, ठीक है। रीजन क्या है, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी डिक्रीज होगी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इसके अंदर दो केसेस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, दो केसेस है हमारे पास। तो फर्स्ट केस इज वेरिएशन ऑफ लेमड़ा एम विथ कंसनट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोग सबसे पहले ग्राफ के बेस पर बात करेंगे कि अगर सपोज हमने कॉन्सेंट्रेशन पे दी, अब इस जो मैंने बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके अंदर वेरिएशन बहुत कम होता है, ठीक है, इट्स शो स्मॉल वेरिएशन, ठीक है, छोटा सा वेरिएशन दिखेगा। जो हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट जब स्ट्रॉन्ग होता है तब वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं दिखता। तो हम लोग केस वन की बात करें, वेरिएशन ऑफ लेमड़ा एम, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कंसेंट्रेशन हम लोगों ने ले लिया अंडर रूट सी, मोलर कंडक्टिविटी को वाई एक्सिस पे ले लिया, ये है हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखो यहाँ पर स्मॉल वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसका जो स्लोप है वो एकदम छोटा सा स्लोप है, ठीक है, इसका स्लोप बहुत कम है। तो अब देख सकते हो, अब देखो यहाँ पर मैंने के सी एल नीचे रखा है, एच सी एल ऊपर रखा है, क्यों, क्योंकि एच सी एल और के सी एल के अंदर सी एल तो कॉमन ही है, और जो एच प्लस है वो एच प्लस आयन मूव्स मोर रैपिडली, ठीक है। तो ये जो होगा वो इसका ज़्यादा होगा के से, किसी का भी एच प्लस आयन से कमी होगा। तो एच प्लस आयन कहीं पर भी दिखे तो उसका ग्राफ पे से अगर आपको जे डब्ल्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या है, तो एच प्लस आयन हमेशा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो अगर इसको एक्सटेंड करें तो हमें एक पॉइंट मिल जाता है लेमड़ा एम इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट करेंगे तब कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ग्राफ को ध्यान से देखना, कंसेंट्रेशन जब ज़ीरो हो जाएगा तब कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज़ इनफाइनाइट। तो ये है मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसेंट्रेशन, एट ज़ीरो कंसेंट्रेशन। तो इसको हम इस सिंबल से देखेंगे, लेमड़ा एम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और बोलेंगे हम लोग उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कैसा हो गया, इन्फिनिटी हो गया, जबकि पॉसिबल नहीं है बट थियोरेटिकली ये सब प्रूव्ड है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो वाई हमारा क्या है, लेमड़ा एम, जो कि हमने वाई एक्सिस पे लिया है लेमड़ा एम, एम हमने ले लिया कोई भी माइनस बी, नेगेटिव स्लोप है ना, देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप ऐसा होता है, ये पॉजिटिव होता है, अगर देखे ये होता है, ये नेगेटिव होता है, तो हमारी लाइन देखो नीचे आ रही है, तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव सी पी ले लिया। चलो एक्स एक्सिस पे क्या है, कंसेंट्रेशन, तो अंडर रूट सी, और हमारा जो कांस्टेंट है, ठीक है, स्लोप वैल्यू, स्लोप कांस्टेंट जो है सी, वो क्या है, लेमड़ा एम इन्फिनिटी। तो लेमड़ा एम इज इक्वल टू लेमड़ा एम इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी, इसको हम बोलेंगे डिबाय हकल इक्वेशन, डिबाय हकल इक्वेशन। आईआईटी जेडब्ल्यूई मेंस 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज डिबाय हकल इक्वेशन, और उसने अंदर चार ऑप्शन दे दिए थे, उसमें से ये था करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट उसके अंदर भी आपको ट्विस्ट कर सकते हैं, ये इक्वेशन ओनली वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिबे हकल इक्वेशन जैसा कुछ नहीं होता, तो आपको ट्रिक कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसके अंदर लेमड़ा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन, लेमड़ा एम इन्फिनिटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सी जो है हमारा कंसेंट्रेशन है, और बी जो है हमारा स्लोप है, दैट इज कांस्टेंट और डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट चेंज करोगे सी की वैल्यू चेंज हो जाए, बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डिबे हकल इक्वेशन आपको याद रखना है, क्लियर है, जे डब्ल्यू मेन में पूछा गया था, और इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट, सेकेंड केस की जब बात करते हैं, सेकेंड केस इज वेरिएशन ऑफ लेमड़ा एम
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर मोर वेरिएशन शो करेगा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है, जो वेरिएशन जो दिखा रहे हैं वो ज़्यादा वेरिएशन शो करेगा। तो इसका जो ग्राफ अगर आप चेक करोगे एक्स टू वाई एक्सिस का, तो कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा लेफ्ट साइड पे जाओगे डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो देखो यहाँ से स्लोप के बदले ये बन गया पैराबोला, ठीक है, ये ऐसा आ गया, पहले स्ट्रेट लाइन था, अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखा रहा है, देख रहे हो, ये वेरिएशन देखो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो सेम वे यहाँ पर देखो डाइल्यूशन बढ़ेगा, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट अब जब स्ट्रेट लाइन है नहीं तब इक्वेशन बनेगा नहीं, इक्वेशन बनेगा नहीं तो स्लोप मिलेगा नहीं, स्लोप तो है नहीं इसके अंदर, तो लेमड़ा एम इन्फाइनिटी फाइंड नहीं कर सकते बाई दिस मैथड। जो मोलर कंडक्टिविटी है या फिर लिमिटिंग कंडक्टिविटी है वो हम इसके अंदर फाइंड नहीं कर सकते। तब आया है इसके सॉल्यूशन के ऊपर से कॉलरॉस लॉ। कॉलरॉस ने क्या बताया, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन बताया, ठीक है, व्हाट इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट टोटली नहीं है, सीधे सीधे आप मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सको, ऐसा इक्वेशन उसने बना के दिया। तो ऐसा इक्वेशन उसका है लेमड़ा एम इलेक्ट्रोलाइट इक्वल्स टू, देखो दो अलग अलग लेमड़ा लिया है, अभी बता रहा हूँ मैं क्यों, वो लेमड़ा एम इन्फाइनिटी कैट आयन प्लस लेमड़ा एम इन्फाइनिटी ऑफ एन आयन। अभी ये जो लेमड़ा है ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमड़ा यूज़ किया है, ठीक है, जब सॉल्यूशन की बात हो कि सॉल्यूशन का लेमड़ा यूज़ करना हो तब ये टाइप का लेमड़ा यूज़ करते हैं, अब जब आयन की बात हो खाली आयन्स, ठीक है, तो ये लेमड़ा कब यूज़ करेंगे, आयन्स जब यूज़ करेंगे तब, और ये कब यूज़ करेंगे, जब सॉल्यूशन सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तब, ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में छोटा दिया है कहीं पर बड़ा दिया है, तो ये कन्फ्यूज़न हटा दिया, ये लैम्ब्डा चेंज कर दो, ठीक है। तो लैम्ब्डा एम इन्फाइनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल्स टू लैम्ब्डा एम इन्फाइनाइट ऑफ कैटायन प्लस लैम्ब्डा एम इन्फाइनिटी ऑफ एनायन, क्लियर है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो ये कॉलरॉश का लॉ है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ पढ़ना नहीं है। लैम्ब्डा एम ऑफ एन ए सी एल इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर लैम्ब्डा एम इन्फाइनिटी ऑफ एन ए प्लस आयन प्लस लैम्ब्डा एम इन्फाइनिटी ऑफ सी एल माइनस आयन। अगर हमारे पास न्यू जितले, ये जो है वो वी नहीं है, बुक में भी दिया है वी जैसा, वो है न्यू, एन यू न्यू है, ठीक है, ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा गामा जैसा न्यू, तो ऐसे शो कर सकते हो, ऐसे दिस इज न्यू, ठीक है। तो कैटायन और वी माइनस एन आयन है हमारे पास, तो इलेक्ट्रोलाइट में हो जाएगा अल्फा लेमड़ा एन इन्फाइनिटी इलेक्ट्रोलाइट इक्वल्स टू वी प्लस, ठीक है, मतलब कैटायन के न्यू वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यू के अंदर वॉल्यूम ही बात करेंगे, लेमड़ा इन्फाइनिटी ऑफ कैटायन प्लस न्यू माइनस लेमड़ा इन्फाइनिटी ऑफ एन आयन, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देखो, Al2SO4 ट्राइस, ये अलग अलग है, मतलब इसकी वैलेंसी अलग, इसकी वैलेंसी अलग है, तो क्या हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम दो है, ठीक है, Al3+, तो दो न्यू के बदले रखने के टू लेमड़ा इन्फाइनिटी Al3+, और यहाँ पर SO4 ट्राइस है तो तीन लेमड़ा इन्फिनिटी SO4 2-, ठीक है, इसके ऊपर से ऐसे बना सकते हो आप, क्लियर है। और लास्ट के अंदर इसके अंदर देखेंगे, अगर हमारे पास लेमड़ा एम नहीं और लेमड़ा ई चाहिए, तो एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा था फॉर लेमड़ा ई, मतलब इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, लेमड़ा एम अपन लेमड़ा इक्वल्स टू एक्स था, तो लेमड़ा एम इन्फाइनिटी अपन लेमड़ा ई इन्फाइनिटी इक्वल्स टू ऑल्सो एक्स, तो एक्स के अगर लेमड़ा इन्फाइनिटी ढूंढना है तो लेमड़ा ई इन्फाइनिटी इज इक्वल्स टू लेमड़ा एम इन्फाइनिटी अपॉन एक्स, वेर एक्स इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन और कैटायन। इसके ऊपर से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सीधे सीधे सॉल्व हो सकते हैं, ट्राई करना, एक आध का स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजूंगा, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। JEE के अंदर कुछ डाउट हो तो सॉल्व करना, और मैंने जो DPP भेजा है वो पहले सॉल्व कर देना, क्लियर है।